हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कल का वीडियो देखा जिसमें कि यूएबीयू और आईबीए की लास्ट मीटिंग अपडेट को हमने आपके साथ शेयर किया। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में सैलरी इंक्रीज बाइपार्टाइट सेटलमेंट के द्वारा किया जाता है और लास्ट जो भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट हुए हैं उनमें लगने वाला समय आप देख सकते हैं। प्रत्येक बाइपार्टाइट में यूनियन द्वारा अनेकों स्ट्राइक की जाती है, लेकिन अब की बार तो बाइपार्टाइट की डिस्कशन मीटिंग्स कुछ अलग ही स्पीड से चल रही है। डिफरेंट इश्यूज को लेकर सब कमेटी बनाई गई है, मीटिंग्स भी बहुत जल्दी फिक्स की जा रही है। यानी कि ये तो श्योर है कि 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट को आईबीए द्वारा अब की बार बहुत कम समय लेते हुए फाइनल किया जाना है। जिस प्रकार मेन कमेटी, कोर कमेटी व सब कमेटी बनाई गई है और लगातार मीटिंग्स हो रही है, ऐसा पहले किसी भी बाइपार्टाइट सेटलमेंट में नहीं देखा गया था। लास्ट 2 मंथ में 6 से 7 मीटिंग्स हो चुकी हैं। डीए मर्जर को लेकर लगभग सब कुछ फाइनल किया जा चुका है। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत से इश्यूज को रिजोल्व कर लिया गया है। लास्ट मीटिंग में पहली बार सैलरी में होने वाले इंक्रीज पर चर्चा हुई थी, जहां पिछले बाइपार्टाइट सेटलमेंट में आईबीए द्वारा इनिशियल ऑफर 2 से 3% स्टार्ट में दिया जाता था। अब की बार आईबीए द्वारा इनिशियल ऑफर ही 15% इंक्रीज इन पे स्लिप कॉस्ट का ऑफर रखा गया है, हालांकि जिस पर यूएबीयू ने एग्री नहीं किया है और कहा है कि इसमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पे स्लिप कॉस्ट को देखेंगे कि पे स्लिप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाएगी और इसका एम्प्लॉयज की सैलरी पर क्या इम्पैक्ट आएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, सेटलमेंट में इंक्रीज को हमेशा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के पे स्लिप कॉस्ट के बेसिस पर निर्धारित किया जाता है। जैसे कि यदि बात करें 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट की, 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम में 31 मार्च 2012 पर जो टोटल पे स्लिप कॉस्ट था 31,503 करोड़ रुपए, इस पे स्लिप कॉस्ट पर इंक्रीज किया गया। 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 15% पर साइन किया गया था, यानी कि 31,503 का 15% 4,725 करोड़ रुपए कुल मिले थे, जो कि इसके बाद में ऑफिसर एंड वर्कमैन में उनकी संख्या के अनुसार डिवाइड किया गया था। ऑफिसर्स को 2,455 करोड़, वर्कमैन को 2,270 करोड़ रुपए। यहाँ ऑफिसर्स की संख्या 3.7 लाख थी और वर्कमैन की संख्या 4.64। इसी तरह 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के टाइम का देखें तो टोटल पे स्लिप कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2017 52,674 करोड़ रुपए था। इसमें भी 15% इंक्रीज किया गया था, जो कि टोटल अमाउंट 7,898 करोड़ रुपए दिए गए थे। इसमें भी ऑफिसर्स में 4,513 करोड़ रुपए और वर्कमैन में 3,385 करोड़ रुपए उनकी संख्या के अनुसार डिवाइड किया गया था। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स, अब की बार भी 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में टोटल पे स्लिप कॉस्ट को 31 मार्च 2022 के बेसिस पर रखा जाएगा और उस पर परसेंटेज का इंक्रीज दिया जाएगा। और पे स्लिप कॉस्ट में लगातार इंक्रीज हो रहा है। 10th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो कॉस्ट 31,503 थी, वह 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 52,654 रुपए हुई, जिसमें कि लगभग 65% का इंक्रीज हुआ। ठीक इसी तरह पे स्लिप कॉस्ट में इंक्रीज होना है। इसके बाद बात आती है कि स्टाफ की, बैंक स्टाफ में कोई ज्यादा बढ़ोतरी हो नहीं रही है, जिससे पे स्लिप कॉस्ट के इस इंक्रीज से अच्छा खासा इंक्रीज बैंकर्स की सैलरी पर पड़ने वाला है। जहां 10th बीपीएस में ग्रोथ सैलरी में 13 से 14% का इंक्रीज देखने को मिला था और 11th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में 17 से 18% ग्रोथ सैलरी में इंक्रीज देखने को मिला था, वही 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट में कम से कम 20 से 25% इंक्रीज इन ग्रोथ सैलरी देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया पे स्लिप कॉस्ट के बारे में। इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।